वरुण धवन ने अपने सभी चाहने वालों को कूली नंबर वन की शूटिंग पूरी होने पर एक बम्पर पार्टी दी, लेकिन उसमें जिस खास मेहमान का इंतजार था वही नहीं पहुंचा। वरुण के साथ उनके पापा भी 25 साल पुराने कूली नंबर वन यानी गोविंदा का इंतजार करते रहे, लेकिन वो नहीं पहुंचे। अब सवाल ये कि क्या गोविंदा को बुलाया नहीं गया या फिर वो किसी नाराजगी की वजह से वरुण की पार्टी से दूर रहे। चलिए जानते हैं क्या था पूरा माजरा। कुली कुली की आवाजों के बीच गाड़ी रुकी और उसमें से उतरे 2020 के नए कुली नंबर वन वरुण धवन और उनकी हीरोइन सारा अली खान। ना सवाल ना जवाब, इशारों में बात और मीडिया वालों की आवाज। ये कुली नंबर वन। वरुण और सारा पहुंचे थे कुली नंबर वन की शूटिंग पूरी होने की पार्टी में, जहां पहले से इंतजार कर रहे मीडिया के कैमरामैन ने उन्हें घेर लिया। हंसी मजाक के बीच वरुण ने भी मीडिया के दोस्तों के साथ तस्वीरें खिंचवाई। प्रोड्यूसर वासु भगनानी के घर हुई पार्टी में वरुण के पापा और डायरेक्टर डेविड धवन भी खुशियों में शरीक होने पहुंचे। इस पार्टी में गिने चुने लोग ही शामिल हुए और जो भी पहुंचे वो वरुण, डेविड या वासु भगनानी के करीबी थे। मीटू मामले से विवादों में आए डायरेक्टर विकास बहल लंबे समय बाद किसी पार्टी में दिखाई दिए। कुली नंबर वन में रोल करने वाले जावेद जाफरी पहुंचे, पूजा बेदी की बेटी आलिया फर्नीचर वाला नजर आई, फैशन डिजाइनर मनीष मल्होत्रा भी इस पार्टी में शामिल हुए, लेकिन सबकी नजरें अटक गई रितेश देशमुख और उनकी पत्नी जेनेलिया पर। रितेश देशमुख का लुक बिल्कुल अलग था, उन्होंने शायद अपनी किसी फिल्म के लिए अपने बाल सफेद कर रखे थे। पत्नी जेनेलिया के साथ पहुंचे रितेश पर भी कैमरों के फ्लैश चमक रहे थे। रितेश का काला चश्मा भी लोगों की नजरों को अपनी तरफ खींच रहा था, लेकिन रितेश पर भारी पड़ गए खिलाड़ियों के खिलाड़ी खिलाड़ी कुमार यानी अक्षय कुमार। अक्षय को देखकर सारे कैमरे उधर ही मुड़ गए। फिर मीडिया वालों के कहने पर अक्षय भी फोटोशूट के लिए अपने सिक्योरिटी गार्ड को हटाने लगे। भाई बैकग्राउंड क्लियर कर देना प्लीज। अभी मीडिया वालों ने पार्टी में अक्षय के आने के पीछे की वजहों को तलाशना शुरू ही किया था कि एक सफेद गाड़ी से करिश्मा कपूर उतरी। 1995 में आई फिल्म कुली नंबर वन की हीरोइन ही करिश्मा। फोटोग्राफर के कहने पर करिश्मा देर तक तस्वीरें खिंचवाती रही। लोगों को अब इंतजार था 25 साल पहले के कुली नंबर वन गोविंदा का। उम्मीद थी कि अब गोविंदा भी पार्टी में करिश्मा के साथ अपनी पुरानी जोड़ी बनाने जरूर आएंगे। काफी देर तक गोविंदा का इंतजार होता रहा, लेकिन वो नहीं आए तो नहीं आए। वजह शायद वही है कि गोविंदा अपनी सुपरहिट फिल्म कुली नंबर वन के रीमेक से खुश नहीं है। एक बार गोविंदा से जब इस बारे में सवाल पूछा गया था तो उन्होंने बिना कुछ कहे अपनी नाराजगी जता दी थी। मैं डिस्कस नहीं करूंगा प्लीज। गोविंदा के इस रुख का असर वरुण पर भी पड़ा था और उन्होंने भी गोविंदा के लिए उसी तरह का जवाब देकर चिंगारी को और भड़कने का मौका दे दिया था। नंबर वन में तो ऐसे कुछ उनसे टिप्स उन्होंने आप उनसे लेते हैं कि जिंदगी में लेता हूँ, बट कूली नंबर वन के लिए कोई टिप नहीं दिया। हालांकि वरुण के पापा डेविड धवन कई बार गोविंदा को अपने सबसे बेहतरीन साथी बता चुके हैं। उन्होंने गोविंदा के साथ लगभग 1.5 दर्जन फिल्में की हैं, जिसमें से ज्यादातर फिल्में सुपरहिट रही हैं। 1992 में शोला और शबनम, 1993 में आई आंखें, 1994 में आई राजा बाबू, 95 में कुली नंबर वन, 97 में हीरो नंबर वन ने कामयाबी का नया इतिहास बना दिया था। मैंने फिल्में एंटरटेनमेंट की बनाई है और एक्टर्स मेरे साथ सबने काम किया, ऐसा नहीं है, बट ऑब्वियसली गोविंदा हैज बीन डिफरेंट, वी क्रिएटेड हिस्ट्री। वरुण के लिए पापा का ये इशारा काफी था और उन्होंने पिछले दिनों हुए फिल्म फेयर अवार्ड में स्टेज शो के दौरान जब सामने बैठे गोविंदा को देखा तो सबके सामने उनके पैर छूने पहुंच गए। कॉमेडी की बात होती है तो चुची भैया से बेहतर ये कोई नहीं कर सकता है। आई थिंक एक बार चुची भैया आपको इसमें हमारा साथ देना पड़ेगा। एक गाना दिल को चड्डी से। वरुण के गोविंदा के पैर छूने की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो गई, लेकिन इससे भी गोविंदा का दिल नहीं पसीजा और वो कुली नंबर वन की इस पार्टी में नहीं पहुंचे। शायद इसलिए जब कुली को पुकारा गया तो इस बार वरुण धवन नजर आए।